मोहन भागवत के बयान पर शुरू हो चुकी है राजनीति। आपको बता दें कि ये नफरत गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच की देन, मुजरिमों को सरकार की पुष्ट पनाही हासिल। संघ प्रमुख के बयान पर, इस बयान पर दिग्विजय सिंह का निशाना सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है, उन्होंने कहा अपने शिष्यों प्रचारकों को भी देंगे अपना विचार। क्या ये शिक्षा आप मोदी शाह जी को भी देंगे? तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व और लिंचिंग को लेकर दिए गए बयान पर एक नई बहस शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार सुबह यानी कि आज मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी की। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि ये नफरत गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच की देन है, इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। आरएसएस के भागवत ने कहा लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रखबार, अलाउद्दीन, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी। ये नफरत हिंदुत्व की देन है, इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही ही हासिल है। तो ये ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी का, उन्होंने क्या कुछ कहा अपने ट्वीट में मोहन भागवत के बयान को लेकर, यह हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है, अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है, आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां बीजेपी का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा है कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। संघ प्रमुख के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, सभी भारतीयों का DNA एक ही है। मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं तो बीजेपी में वो सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दे। साथ ही दिग्विजय ने ट्वीट कर लिखा संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, सभी भारतीयों का DNA एक ही है। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों प्रचारकों विश्व हिंद परिषद, हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम अमर अहमद खुशी जाहिर करते हुए उनके बयान का स्वागत उन्होंने किया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सभी भारतीयों का DNA एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं श्री मोहन भागवत जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं, और मैं ही नहीं, मैं तमाम मुसलमानों से भी, तमाम मुसलमानों के सभी वर्गों से भी ये कहना चाहता हूं कि सबको स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात की सराहना होनी चाहिए। आज जो उन्होंने जिस देश के अंदर सबको एक होने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमारा DNA हम सब एक ही हैं, बिल्कुल सही बात यही है कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं, दूसरा भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, आज हमें इसी की ज़रूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रविवार को क्या कुछ कहा था आपको सुनवाते हैं।
हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है, हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारे कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है चुनावों में भी लगाते हैं, ये बात जरूर है, लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्र हित के पक्षधर है। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका समर्थन करेंगे। तो ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ममता, मोहन भागवत का ये बयान कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, इस पर आखिर राजनीति हो क्यों रही है? लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिल रही है, ट्वीट यहाँ पर किए जा रहे हैं राजनीतिक नेताओं की तरफ से। मोहन भागवत ने जिस तरीके से गाजियाबाद में एक बुक लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने बयान दिया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए वो भारत के वासी हैं और दोनों का डीएनए एक है, इसके अलावा लिंचिंग को लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले तंज कसते हुए कहा कि हिंदुत्व ही नफरत की देन है, इस तरीके का बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा संघ प्रमुख मोहन भागवत से कि अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो क्या आप पार्टी आला कमान को निर्देश देंगे कि तमाम जिनको प्रताड़ित किया गया है, इसके अलावा जिन लोगों ने भी मुस्लिमों को अब तक प्रताड़ित किया है उनको फौरन पदों से बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि क्या आप बजरंग दल और इन तमाम जो आपके संगठन हैं उन को भी ये बयान बताएंगे, उनको भी ये नसीहत देंगे। लगातार इस बात को लेकर, संघ प्रमुख के बयान को लेकर सियासत हो रही है, और अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने असदुद्दीन ओवैसी और दिग्विजय सिंह को जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पर कहा है कि असदुद्दीन को कि जिस तरीके से लंबे समय से विपक्षी दल संघ प्रमुख और संघ के विचारधाराओं को सही तरीके से समाज में नहीं फैलाते थे बल्कि नकारात्मक तरीके से वो प्रचार प्रसार करते थे, अब जनता के बीच खुद संघ प्रमुख आ गए हैं और अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं तो जनता को संघ की विचारधारा से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो परेशान हैं क्योंकि अब उनका अफवाह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कि ये एक गुमराही गैंग है जो हमेशा से ही संघ को लेकर गलत बयानबाजी करता रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संघ प्रमुख ने बयान दिया गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक ही है, दोनों का डीएनए एक है, भारत में रहने वाले सब एक है, ऐसे में किसी भी प्रकार की दोनों संगठनों के बीच कोई भी जो हिंसात्मक कार्रवाई होती है इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, दोनों का डीएनए एक है। कहीं ना कहीं संघ प्रमुख का जो बयान था वो सकारात्मक तरीके से समाज में जो अक्सर हम सुनने को आता है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई है, इन तमाम चीजों को लेकर संघ प्रमुख की तरफ से बयान दिया गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक ही हैं, जो भाई भाई लंबे समय से कहते आए हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि डीएनए एक है। ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जिस तरीके से संघ प्रमुख का ये बयान सामने आया है मोनिका लिंचिंग को लेकर, डीएनए को लेकर, लगातार उस पर सियासत हो रही है। बिल्कुल ममता, इस बीच
यहाँ पर मोहन भागवत की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि जो मैं कह रहा हूँ ये किसी तरह की कोई राजनीति से प्रेरित होकर मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही मुझे किसी तरह का कोई वोट चाहिए, मैं सिर्फ अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ, मैं मेरे विचार क्या है मैं वो बता रहा हूँ। तो ऐसे में जब वो ये भी क्लियर कर चुके हैं कि मैं वोट नहीं चाहता, ना ही मैं किसी राजनीति से प्रेरित ये भाषा बोल रहा हूँ, तो ऐसे में उसके बावजूद मौका ढूंढना यहाँ पर किसी भी तरह से आलोचना करना के सही है, क्योंकि जिस तरह का बयान मोहन भागवत ने दिया है तो जाहिर तौर पर इससे तो सद्भावना फैलेगी, इससे तो एकता ही होगी ना, तो ऐसे में इसमें क्या आपत्ति वाली बात है? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए संघ प्रमुख की तरफ से जो बयान दिया गया था उसमें संघ प्रमुख ने खुद इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया था कि उनका जो बयान है वो किसी भी प्रकार का राजनीतिक नहीं है, बल्कि उनके निजी विचार हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारी विचारधारा है और इसको राजनीति से प्रेरित होकर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन मोनिका, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ऐसे में सियासत होना लाजमी है। भले संघ प्रमुख की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि उनका बयान जो है किसी भी प्रकार से राजनीति से प्रेरित नहीं है, उनको कोई वोट नहीं चाहिए, वो चुनाव नहीं लड़ने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके जो विचार हैं वो खुद के हैं और संघ की विचारधारा है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, दोनों का डीएनए एक है, ऐसे में दोनों ही पक्षों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भारत के वासी हैं और भारत के होने के नाते हम लोग एक ही हैं, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं के लिए जगह नहीं है। और संघ प्रमुख ने खुद भी ये साफ कर दिया कि उनका विचार कोई राजनीति को लेकर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो सियासत लगातार जारी है, भले ही वो असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हो, सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और मोनिका, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बयान कुछ भी हो, वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो जैसा भी हो, लेकिन राजनीति हमारे देश में इतनी ज्यादा है कि आप अच्छे विचार को भी अगर सार्वजनिक मंच पर कहते हैं तो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से उस पर प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, और कुछ वैसा ही देखने को मिला है कि जब संघ प्रमुख ने डीएनए और लिंचिंग को लेकर एक बयान दिया है, भले ही उनका जो बयान है वो सकारात्मक है और वो सद्भावना फैलाने के मकसद से इस बयान को संघ प्रमुख की तरफ से दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी की तरफ से अब तक क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आई है, क्या कुछ कहा गया नेताओं की तरफ से? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जिनसे हमारी बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर इस बात के बारे में कहा कि ये तो गुमराही गैंग है जो लगातार संघ की विचारधारा नकारात्मक तरीके से समाज में फैलाती रही है, और उसी का एक उदाहरण आज भी है कि जब संघ प्रमुख ने एक सकारात्मक बात कही है उसके बावजूद उन्होंने गलत तरीके से इसको लिया है। असदुद्दीन ओवैसी के विचार को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ओवैसी ने तंज कसा है, कहीं ना कहीं ये साफ पता चलता है कि संघ की विचारधाराओं को लेकर किस तरीके से निगेटिव माहौल समाज में बनाने की कोशिश है, और क्योंकि संघ प्रमुख ने खुद एक बयान दिया है जिससे ये साफ होता है कि संघ की विचारधारा क्या है और वो विचारधारा अब समाज में खुलकर सामने आने लगी है, तो कहीं ना कहीं ये लोग डर रहे हैं कि कहीं जनता को समझ में ना आ जाए कि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो किस तरीके से संघ की विचारधारा को लेकर सियासत कर रहे हैं, और जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का ये साफ तौर पर कहना है कि जनता समझदार है, वो समझ जाएगी और इसका जो खामियाजा है वो उत्तर प्रदेश चुनाव में जरूर मिलेगा ओवैसी को। बिल्कुल शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।